सच बताना, पोस्टर देखते ही आपका रिएक्शन कैसा था? कैसा था भाई साहब? मैं तो चिल्ला उठा, भाई साहब इस तरह की प्रवास तो हमें चाहिए था, इस तरह की प्रवास तो चाहिए था। भाई साहब क्या पोस्टर है यार, क्या पोस्टर है, गुस्बम का बाप लग रहा है, जबरदस्त लग रहा है। देखो ट्रेलर का रिलीज डेट छोड़ा गया है, ट्रेलर का रिलीज टाइम छोड़ा गया है, उसके बारे में मैं आपको बताऊंगा, लेकिन भाई साहब पोस्टर दिल दहला दिया। भाई साहब क्या जबरदस्त ये फिल्म होने वाली है, आपको महसूस हो रहा होगा। और अभी हेटर्स लोगों को भी एक तमाचा मारा है ये पोस्टर ने, मैं आपको कौन सा तमाचा है, किस तरह का कड़क तमाचा मारा है उसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। पहले मैं बता देना चाहता हूँ प्रवास की गेटअप के बारे में। भाई साहब क्या गेटअप है, उनकी बॉडी लैंग्वेज देखो यार, जो कहते हैं ना मोटू प्रवास, तोन तोन निकला हुआ है, गेंडा प्रवास, क्या क्या जो इस तरह की जो बातें करते हैं, उसकी बॉडी लैंग्वेज देखो यार, कि एक हीरो की बॉडी लैंग्वेज कैसा होना चाहिए, उसकी गेटअप कैसा होना चाहिए, उसकी जो मतलब जो फिगर होना चाहिए ना, जिस तरह का वो एक पावरफुल हीरो, एक पावरफुल हीरो जो कि गुंडों का छक्के छुड़ा देगा, है ना, गुंडों का छक्के छुड़ा देगा, वो हीरो का एक्चुअल में शरीर कैसा होना चाहिए, विशाल का है शरीर, वो प्रवास का है। भाई साहब वो प्रवास का है, आप वो पोस्टर में देख सकते हो, उनकी फेस एक्सप्रेशन, दाढ़ी, क्या क्या जबरदस्त लग रहा है भाई साहब। और हेयर स्टाइल तो मेरा दिल लूट लिया, हेयर स्टाइल के जबरदस्त लग रहा है। देखो हमें टीजर में देखने को मिला था और भी कई सारे पोस्टर में देखने को मिला था, हेयर स्टाइल के बारे में भाई साहब, वो जो हाथ ऐसे करते हैं, वो सारे हेयर स्टाइल में मतलब वो लड़ाई में पूरा ऐसे मगन रहते हैं, हेयर स्टाइल के बारे में कुछ ऐसा नहीं, लेकिन ये वाले पोस्टर में हेयर स्टाइल मुझे बहुत जबरदस्त लगा, उसके साथ दाढ़ी बहुत खतरनाक लगा यार, बहुत खतरनाक लगा। अगर आप मुझे शुरू से फॉलो कर रहे हो, मैं जब शॉर्ट वीडियो बना रहा था उस टाइम पे मैं आपको बता रहा था वो जीव के बारे में, कि एक जीव दिखाया था आपको, और डार्लिंग प्रभास का ऐसा एक जीव होने वाली है, ऐसा एक गाड़ी होने वाली है, प्रभास इसमें आएंगे, सलार का कैरेक्टर इसमें आएगा और गुंडों का छक्के छुड़ाएगा, एकदम से तूफान उड़ाएगा बोल करके, उसके बारे में मैं आपको अपडेट दिया था बहुत बहुत टाइम पहले यार, तकरीबन एक साल हो चुका होगा। आप अगर मुझे शुरू से फॉलो कर रहे होंगे तो आपको पता होगा कि यही जीव के बारे में बताया था, वो अपडेट भी सही था, कोई मतलब मुझे बहुत सारे कमेंट आए थे कि तू कुछ भी बोलता है, कुछ भी बोलता है, भाई साहब वो भी सही था, वो भी सही था। अभी मैं आपको बताता हूं कि भाई हेटर्स के मुंह में यहां पे कैसा करेक्ट तमाचा है। देखो यहाँ पे हमें दो लोग को देखने को मिलता है, पहला तो ये जो सलार मूवी के सपोर्टर है, जो सलार मूवी के ऑडियंस है, खासतौर पर सलार मूवी को एंजॉय करना है, सलार मूवी एक देखना है, एक खतरनाक फिल्म के एक्सपीरियंस लेना है, जो लोग सोचते हैं वो लोग यही सोचते हैं कि प्रशांत नील जिस तरह से कॉन्फिडेंशियल रख रहे हैं, कोई भी आउटपुट नहीं छोड़ रहे, इसका मतलब ये है कि सलार मूवी जो है डायरेक्टली कनेक्ट हो रहा है केजीएफ के साथ, इसलिए कोई भी चीज रिवील करना नहीं चाहते, इसलिए कोई भी मतलब आउटपुट वगैरह ये लोग इतना नहीं छोड़ रहे हैं बोल करके, मतलब इस तरह की बातें उठती है। और जो लोग हेटर्स हैं, जो लोग चाहते हैं कि भाई साहब सलार मूवी डूब जाए, बिल्कुल प्रभास की वो लास्ट तीन फिल्मों की तरह सलार मूवी भी हो जाए, जिस तरह की ये जो लोग इस तरह की बातें मतलब सोचते हैं ना, वो लोग ये सोचते हैं कि रिवील इसलिए नहीं कर रहे हैं क्योंकि ये फिल्म जो है रिमेक है उग्राम की, इसलिए रिमेक मतलब रिवील नहीं कर रहे हैं, आउटपुट नहीं छोड़ रहे हैं, ताकि पता चल जाएगा कि ये रिमेक है बोल करके, है ना। लेकिन ये पोस्टर ना गाइस वो हेटर्स लोगों को एकदम से कड़क तमाचा दिया है। देखो पहले से तमाचा गिर चुका है कि भाई साहब कोई भी रिमेक मूवी को डबल पार्ट में मल्टी पार्ट्स में फिल्म को नहीं रिलीज किया जाता, लेकिन यहां पे ये पोस्टर देखो, ये पोस्टर में आप देख सकते हो, ज्यादातर क्या होता है ना कि कोई एक यूट्यूबर है यार, वो है जो रूमर्स बहुत ज्यादा फैलाया है कि हाथ में ऐसे पट्टी बना गया है और उग्राम में भी वो बना गया था, इसलिए वो उग्राम का रिमेक है, हाथ में पट्टी बन गया तो वो रिमेक हो गया, है हाथ में पट्टी बन गया तो तुझे सारा का सारा स्टोरी पता चल गया, क्या यार क्या है। ओके तो हाथ में पट्टी जब उग्राम मूवी में बना हुआ होता है, वहां पे अगस्त्या कैरेक्टर जो होता है साई मुरली जी का, वहां पे वो कैरेक्टर जो ना हाथ में जब पट्टी बना हुआ होता है वो शांत रहता है, वो शांत रहता है, जब हाथ से पट्टी खोलता है तभी लड़ाई होता है, तभी तूफान उड़ाता है, तभी वो गर्दा उड़ाता है। ओके आप देखे होंगे उग्राम मूवी, तो यहां पे ये पोस्टर आप देख सकते हो कि सबसे खूंखार अवतार ये हाथ में पट्टी बांध करके ही प्रभास का है, तो उग्राम का रिमेक कैसे हुआ, ये हाथ में पट्टी बांधने का जो सिलसिला है, जो मिस्ट्री है, वो प्रशांत नील हमें अलग तरीके से दिखाएंगे, कुछ और होगा यहां पे, डेफिनेटली ये पता चल गया। ओके तो हेटर्स लोगों के लिए एकदम से कड़क तमाचा हो गया, और सपोर्टर लोगों के लिए डार्लिंग प्रभास के लिए ये वाला पोस्टर जो एकदम से घुसबम पैदा कर दिया और भी ज्यादा, कि भाई साहब हमें ट्रेलर देखना है। अभी मैं आपको ट्रेलर की टाइम और रिलीज डेट के बारे में बताता हूं, प्रभास का पोस्टर आया है, आप सभी को मतलब बखूबी पता चल चुका है कि टाइम क्या है, रिलीज डेट क्या है, मतलब ये पोस्टर कैसा है, सब कुछ आप लोगों को पता चल चुका है, ये वीडियो बस मेरा रिएक्शन ही है, ये आप लोगों को सभी को पता है, मैं फिर भी आपको ट्रेलर का टाइम और रिलीज डेट बता देता हूं कि ट्रेलर का रिलीज डेट जो है वही 1 दिसंबर ही है, जो हमें पहले से पता चल चुका था 1 दिसंबर ही है, और ट्रेलर टाइम जो है वो 7:19 PM है,
ओके इवनिंग के टाइम पे हमें इस बार देखने को मिलेगा, कोई अर्ली मॉर्निंग से उठना नहीं पड़ेगा। मुझे लग ही रहा है कि इस टाइम को ये लोग चूज कर रहे हैं तो कोई इवेंट वगैरह रखेंगे और मतलब ये ट्रेलर को लॉन्च करेंगे, इसलिए ऐसा टाइम है, नहीं तो सुबह सुबह छोड़ देते, बस यूट्यूब में छोड़ना होता तो। ओके तो 1 दिसंबर को कोई इवेंट वगैरह होगा और वहीं पे ट्रेलर को ये लोग लॉन्च करेंगे, कुछ ऐसा है, इसलिए इवनिंग का टाइम रखा गया है। तो टाइम को एकदम से हम फिक्स करके रखते हैं मेरे भाई, 7:19 इवनिंग के टाइम पे हमें ट्रेलर देखने को मिलेगा 1 दिसंबर को। मतलब एनिमल मूवी रिलीज हो रही है उसी दिन, डबल डबल धमाका होगा भाई साहब, लिटरली पोस्टर ना एकदम से दिल लूट लिया। और फाइनली हमें सलार की ट्रेलर की रिलीज डेट और टाइम जो है पता चल गया है। आप मेरे रिएक्शन वाले चैनल तो याद रखे होंगे, जाकर के सब्सक्राइब वगैरह कर देना, वहां पे जुड़ जाना भाई साहब, हम रिएक्शन वीडियो सलार की ट्रेलर के साथ शुरू करेंगे बकायदा। मुझे बहुत सारा कमेंट आया कि इसके साथ करो इसके साथ करो, लेकिन मैं आपको जो प्रॉमिस किया था वही ही करूंगा कि सलार की ट्रेलर के साथ ही, मतलब सलार मूवी की आउटपुट के साथ ही रिएक्शन वाले चैनल को हम शुरू करेंगे। आप जाकर के वो चैनल के साथ दिल से जुड़ जाना भाई, जैसे यहां पे जुड़े हो। ओके थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव ए नाइस डे, टेक केयर, से बताना ये पोस्टर आपको कैसा लगा।